एवरीवन, वेलकम टू किड्स लर्निंग कॉर्नर। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूकेजी क्लास की मैथ वर्कशीट। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। ये जो है ये फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग है, ये आप बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी सिखा सकते हैं। वन, वन के बाद आता है यहाँ पर हमारा टू, थ्री, फोर, फोर के बाद आएगा फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन के बाद आएगा एट, नाइन एंड जस्ट आफ्टर नाइन टेन। नेक्स्ट इलेवन, ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद आएगा थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद आएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन के बाद सेवनटीन, फिर यहाँ पर आएगा एटीन। ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन के बाद आता है ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर के बाद आएगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर नेम्स ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पर आपको नंबर्स नेम लिखना है गिवन नंबर। मैंने यहाँ पर सिर्फ वन टू टेन के बीच में लिए हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है दोबारा से क्लासेस की, तो अभी तक इतना मतलब सिलेबस आगे नहीं गया है, तो मैंने ज्यादा यहाँ पर नहीं लिए हैं नंबर। फर्स्ट है टू, राइट डाउन करेंगे टी डब्ल्यू ओ टू। नेक्स्ट इज सेवन, एस E V E N सेवन। सिक्स S I X सिक्स। टेन T E N टेन। एट E I G H T एट। फाइव F I V E फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन। यहाँ पर हमें आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन नंबर लिखना है। सबसे पहले है हमारा बिफोर। बिफोर यानी कि पहले वाला नंबर। यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हैं इनसे पहले कौन सा नंबर आएगा? टेन, टेन से पहले आता है हमारा नाइन। सेवन, सेवन से पहले आता है सिक्स। फिफ्टीन, फिफ्टीन से पहले आएगा फोर्टीन। नाइनटीन, नाइनटीन से पहले आएगा एटीन। ट्वेल्व, ट्वेल्व से पहले आता है हमारा इलेवन। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। हम यहाँ पर काउंटिंग करके पता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट वाला बताती हूँ, वन से स्टार्ट कर देते हैं हम। जैसे हमें नहीं पता चलता है, कई बार बीच में एकदम से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम यहाँ पर काउंटिंग करके भी पता कर सकते हैं। जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, नाइन, टेन। तो यहाँ पर टेन है तो यह क्या आएगा? नाइन। नेक्स्ट इज आफ्टर। यहाँ पर हमें आफ्टर यानी कि बाद वाला नंबर लिखना है। तो ट्वेंटी के बाद क्या आता है? ट्वेंटी वन। ये ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें काउंट करके ये नहीं पता करना पड़ता कि उससे पहले क्या आएगा। यहाँ हमें आगे वाला नंबर राइट डाउन करना होता है। फोर्टीन, फिफ्टीन, थ्री, फोर, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। नेक्स्ट इज बिटवीन। यहाँ पर हमें बिटवीन यानी कि बीच वाला नंबर राइट डाउन करना है कि बीच में क्या आता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर भी हम फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि थ्री, थ्री के बाद क्या आता है? फोर, फोर के बाद क्या आता है? फाइव। तो यहाँ आसानी से आपको पता चल गया कि थ्री के बाद फोर आएगा और फाइव से पहले फोर आएगा। फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, थर्टी, थर्टी वन, थर्टी टू, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन। हो गया ना अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। तो ये वेरी इजी वे है कि बच्चे को आप अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में मैथ्स की भी आपको बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा बहुत इजीली कैच कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ हम करेंगे आज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं नंबर स्मॉल टू बिग, यानी कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा एंड में। तो ऐसे ही हम लिखते हैं स्मॉल टू बिग। ये भी हम अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको अपनी मैथ्स की वीडियो, बहुत सारी वीडियो में बता चुकी, लेकिन आज फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम बच्चे को अकॉर्डिंग टू काउंटिंग सिखाएंगे। हमें यहाँ पर देखिए ज्यादा बड़े नंबर मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे? हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे वन टू टेन, इलेवन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी वन टू थर्टी, थर्टी वन टू फोर्टी, ऐसे ही हम चलते चलेंगे। तो हम वन टू टेन के बीच में चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आता है।
जो नंबर आता है उसको हम राइट डाउन करते चलेंगे। अब देखिए यहां से हम वन से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव नहीं है, न सिक्स है, नहीं है सेवन, यहां पर देखिए सेवन है, तो यहां पर हम सेवन को राइट डाउन कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, सेवन। नेक्स्ट इज एट, नहीं है। नाइन नहीं है। जो नंबर नहीं है उसको नहीं लिखना, जो नंबर आपको गिवन है सिर्फ उसी को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है टेन, टेन यहां आता है हमारा, तो यहां राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद हमारी लाइन आती है, कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे 11 टू 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है। 11 वन वन वाली लाइन में देखिए 11, 12 नहीं है, वन वन वाली लाइन में है 1 6 16, तो यहां पर राइट डाउन कर देंगे 1 6 16। नेक्स्ट इज वन वाली लाइन कौन सी होती है, 11 से लेके 19 तक। तो देखिए इस वन वाली लाइन में कोई भी नंबर नहीं है। अब टू की लाइन स्टार्ट होती है, तो टू की लाइन 20 से स्टार्ट होती है, 29 पे खत्म होती है। तो टू की लाइन में सबसे पहले देखिए 23 है, 23 यहां पर लिख देंगे, और कोई नंबर टू वाला यहां पर देखिए, टू की लाइन का मतलब है 20 से 29, टू वाला यहाँ कोई नंबर नहीं है। उसके बाद लास्ट बचता है 30, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 30, और हमारा असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया है। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर जो हमने किया है वो किया है हमने अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड काउंटिंग, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू बैकवर्ड काउंटिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना होता है। बिग टू स्मॉल में आपका यहाँ सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे हम चलते हैं। तो हम बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो हमें 100 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे पीछे से स्टार्ट होता है 9 की लाइन, फिर 8 की लाइन, फिर 7 की लाइन, फिर 6 की लाइन, ऐसे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है हमारा 42, तो हमें पता चल गया 42, हमें इससे छोटे नंबर ही चेकआउट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारा 42। अब देखिए 4 की लाइन में और कोई नंबर नहीं है, अब हम चेक करेंगे 39 से लेकर 3030 तक, क्योंकि हम बैकवर्ड काउंटिंग चल रहे हैं। तो इस लाइन में हमारी 3 की लाइन में कौन है, आप ऐसे चेक कर लीजिए 3 की लाइन में, अगर 3 की लाइन में दो नंबर है तो कंपेयर कर लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो 3 की लाइन में हमारे यहाँ पास है यहाँ पर 35। नेक्स्ट 3 की लाइन में कोई नंबर नहीं आ जाते 2 की लाइन में, 2 की लाइन में हमारे पास है 26। फिर आ जाते 1 की लाइन में, 1 1 11 में देखिए दो नंबर है यहाँ पर, तो 15 पहले आएगा या 11, हम चल रहे हैं बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो 15 बड़ा है तो यहाँ पर पहले 15 आ जाएगा, और छोटा है 11 15 से, तो लास्ट में आएगा हमारा यहाँ पर 11। ऐसे ही आप इजीली अपना डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग नंबर। तो यहाँ पर हमें कोरस्पोंडिंग नंबर के अकॉर्डिंग इक्वल कलर करना है, जो नंबर हमें दिए हुए हैं उतने ही पिक्चर्स में हमें कलर करना है इक्वल करके। तो जैसे हमें यहाँ पर दिया है 4, तो यहाँ पर हमें 4 फ्लावर्स में ही कलर करने हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 इतने ही फ्लावर्स में कलर करना है, बाकी जो बचा है उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू नंबर करने, यहाँ पर है 3, तो हम यहाँ पर कलर करेंगे 3 काइट में, काउंट करके 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है 2, तो हम यहाँ पे 2 नंबर दिया है, काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पर सिर्फ कलर करेंगे ओनली 2 फीसेज में। मैं यहाँ पेंसिल से कर रही हूँ, आप कलर यूज कीजिएगा। यहाँ पर हमें पर नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 5 ट्रायंगल 1 2 3 4 5 लास्ट के जो बचते हैं उनको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर 5 दिया है, तो 5 में ही कलर करेंगे। नेक्स्ट है 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है 1, तो यहां पर कलर करेंगे ओनली 1 मैंगो में। नेक्स्ट है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी जो बचे हैं उनको हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।